उनसे
जमीन खाइम हम जमीन पर जी रहे हैं, उनसे जमीन खाइम हम जमीन पर खा रहे हैं, उनसे जमीन खाइम हम जमीन पर पी रहे हैं, उनसे जमीन खाइम हम जमीन पर चल रहे हैं, उनसे जमीन खाइम हम जमीन पर बैठ रहे हैं, उनसे जमीन खाइम हम जमीन पर घर बना रहे हैं, उनसे जमीन खाइम हम जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, जमीन की जरूरत नहीं, क्या कोई हाल उठाए, मुझे जमीन की जरूरत, मारे जाने के बाद की जमीन होना मतलब वली की जरूरत नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलता, मट्टी की जरूरत है, नहीं जरूरत है, नहीं है भाई, खबर होने के लिए जरूरत मट्टी की होना नहीं, नहीं होना, दरख्त पर लटका देना क्या, वो भी जमीन से खड़ा है। तो जमीन की जरूरत है, नहीं है, तो हमारे जीने के लिए जमीन होना, हमारे मरने के लिए जमीन होना, हमारी नमाज पढ़ने के लिए जमीन होना, सजदे के लिए जमीन होना, रुकू करने के लिए जमीन होना, हज करने के लिए जमीन होना, जकात देने के लिए जमीन होना, जकात लेने के लिए जमीन होना, रोजा रखने के लिए जमीन होना, इफ्तार करने के लिए जमीन होना, सहरी करने के लिए जमीन होना, विश्वास रखने के लिए बैठकर क्या होना, जमीन होना, नहीं खत बनाने के लिए जमीन होना, हंसने के लिए जमीन होना, रोने के लिए जमीन होना, आपको जिंदा रहने के लिए जमीन होना, मरने के लिए जमीन होना, घटने के लिए जमीन होना, सब कामों के लिए क्या होना, जमीन होना, फिर सफर में से निकलने के लिए जमीन होना, हशर में भी जमीन पर ही रहेंगे, नहीं हशर जमीन पर होगा। तो ये जमीन कब तक है, उस वक्त तक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अलदान फी उम्मती खलासून, देखा नमाज पेश करने वाला रसूल, रोजा पेश करने वाला रसूल, ज़कात का हुक्म देने वाला रसूल, हज का हुक्म देने वाला आका, अब दान की अज़मत बयान कर रहा है, मुसलमान तेरा जिंदगी वाल की अज़मत नहीं आती, अलम दान की उम्मती फलासून, देखा अपने पैगंबर से कितना दूर होता जाना है, अलम दान की उम्मती फलासून, अब दान। अब फिर एक सवाल का जवाब इसके बारे में देकर तर्क करूंगा, कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, अब्दान फी उम्मती फलासून, अब्दान मेरी उम्मत में 30 है, बिहिम तकूमुल अर्ज, तकूमुल अर्ज बिहिम नहीं कहा, जमीन उनसे कायम है, उन्हीं से जमीन कायम है, कौन फरमा रहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बोलते थे नमाज में अब्दान फी उम्मती फलासून, अब्दान मेरी उम्मत में 30 हैं, बिहिम तकूमुल अर्ज, उन्हीं से जमीन फैली हुई है, व बिहिम तुरज़कून व बिहिम तुमतरून व बिहिम तुनसरून, उन्हीं की वजह से तुम पर बारिश होती है और उन्हीं की वजह से तुम्हारी खुदा मदद करता है, उनकी वजह से खुदा तुम्हारी मदद करता है। बोलो आप, अब्दाल का एहसान हुआ नहीं हुआ, तो क्या करना, इनका शुक्रिया करना, इनकी तारीफ करना, करे तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुआफ़त हुई। अब एक सवाल पैदा होता है, ये बातें ऐसी बातें कुरान में यहां मालूम हो रहा है अब्दाल का एहसान हम पर है, हदीस से मालूम, कुरान में ऐसी बातें नहीं है ना, इसी बात से हम आलुल कुरान बन गए, क्या बन गए, अहलुल कुरान नहीं, आलुल कुरान बन गए, हदीस को हमने छोड़ दिया, क्योंकि हदीस में ये सब बातें, ओहो आलुल कुरान हो, क्या बन गए, आलुल कुरान बन गए, कुरान की आल बन गए, आले नबी नहीं बने, आले कुरान बन गए,